में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए यहां पर राजद दफ्तर के बाहर एक महिला आई है और वो रो रही है। रोने की वजह क्या है? वो और सीधा डिप्टी सीएम पर आरोप लगा रही है। मैडम आप रो रही हैं, रोते हुए आपके हाथ में कागज था, क्या है मामला? डिप्टी सीएम पे क्यों आरोप लगा रही हैं? सर पहली बात की आरोप नहीं है, ये आरोप का साक्ष्य प्रमाण मेरे पास है जी। और तीनों रूप में प्रमाण है सर, वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में और मैसेज के रूप में। अच्छा, तीनों रूप में मेरे पास प्रमाण है मेरे मोबाइल में सर जी। क्या और ये बहुत क्या सर, ये जो प्रमाण है, प्रमाण यही है सर कि मैं डिप्टी सीएम के आवास पर मैं न्याय लेने के लिए जब जाती हूँ सर, वेतन भुगतान के लिए सर वहाँ पर, तो उनका गार्ड पीए है पर्सनल, संजय कुमार सिंह उसका नाम है, वो गेस्ट रूम में एक साजिश के तहत हमको बैठाता है और हमसे 1.5 लाख रुपया मांग रहे हैं सर है। कि मैडम को घूस देना है तभी आपका वेतन का भुगतान होगा। आपका वेतन रुका हुआ है 17 नवंबर से, मेरा वेतन रुका है, मेरा स्कूल का हेडमास्टर रुका हुआ है। क्या करते सर? हम विज्ञान शिक्षक के रूप में पद पे कार्यरत है उत्क्रमित उच्च विद्यालय कटरा कला में, मैं +2 मेरा विद्यालय है, गवर्नमेंट स्कूल है। आप टीचर हैं वहाँ? मैं विज्ञान शिक्षिका हूँ जी सर। तो आप रेणु देवी मैडम के यहाँ गई तो क्या हुआ पूरा मामला? सर वहाँ पे हमारे साथ अश्लील हरकत, खुद आप वीडियो देखिए सर कि वीडियो में किस तरह से जब सिटकिनी बंद कर दिया, अश्लील हरकत करते हुए मैं सिटकिनी खोल के अंदर बाहर गई हूँ बरांडा में सर, तो किस तरह से हमको खींच रहा है सर, खींच रहा है और वीडियो में भी वो कह रहा है कि हमको एक चुम्मा दीजिए तो आपको मैडम से मिलाएंगे और हमारे साथ होटल में चलिए और गलत करिए। तो सोचिए सोचिए कि एक डिप्टी सीएम के यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है जी। वहाँ जब एक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के यहाँ जब इस तरह का घटना हो रहा है तो सोचिए कि एक दलित महिला कहाँ सुरक्षित है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा रैकेट है। रेणु मैडम से आपकी मुलाकात हुई? सर मुलाकात हुई तो हर चीज से इनकार कर रही है, कह रही कि नहीं मेरा ये पीए है ना मेरे यहाँ का आवास है, तो ये सर बहुत बड़ी बात है। आप उन्हीं के आवास पे गई थी? ये पूरा मामला हुआ था उन्हीं के घर पे हुआ था। देख लीजिए उनके आवास के बरामदा का है सर, और वो जो आदमी है वो उनका पीए है जी सर, पीए है उनका। और रेणु और ये महिला कितनी झूठी है सर, ये 15 करोड़ माने बिहार वासियों की मुख्यमंत्री, शर्म नहीं लगता है कि इतनी झूठ बोल रही है कि ना महिला को मैं पहचानती हूँ और ना, और हमको कई तरह का धमकी आ रहा है। आपको धमकी भी आ रहा है? उनका भाई हिस्ट्री शूटर है सर, गुंडा है, बदमाश है, उनका पूरा बिहार जानता है, हमको जान मरने का धमकी आ रहा है। चलिए देखिए इनके साथ हुआ कि जब रेणु मैडम मतलब रेणु देवी के आवास पे जाती हैं तो वहाँ पे उनके पीए उनके साथ छेड़छाड़ करता है, और ये वीडियो भी है जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बाग पहले काम कराइए, हटिए ना बाग छोड़िए, पहले ना पहले काम कराइए, छोड़िए छोड़िए ना पहले ये सब, नहीं हटिए ना, नहीं नहीं पहले काम करिए, हटिए पहले काम करिए। तो नहीं नहीं पहले मेरा काम करिए, चलिए तब काम करिए, तब कुछ ऐसा बात नहीं है, काम करिए तो हमारे हाथ में, हमारे हाथ में तो चलिए काम करिए। मैंने क्या कम मैंने नहीं लग रहा है कि चुमा देंगे तो नहीं काम करिएगा, तो तब काम कराइए। देखिए अब बिहार में क्या होगा जब उप मुख्यमंत्री का पीए और उप मुख्यमंत्री के आवास पे ऐसा हो, अगर इल्ज़ाम सही है तो। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।